हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। इस सुंदर पार्टी प्रवक्ता के आगे विपक्ष की भी होती है बोलती बंद। आज देश में महिलाओं ने अपनी काबिलियत के दम पर हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर रखा है, चाहे फिल्म जगत हो, खेलकूद हो या राजनीति, हर क्षेत्र में महिलाओं की तूती बोल रही है। वैसी ही एक शख्सियत है प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अपनी पार्टी के बचाव में बेबाकी से बोलने के लिए प्रियंका देश भर में मशहूर है। प्रियंका को देश की टॉप 10 भारतीय महिला राजनीतिक में सूचीबद्ध किया गया है। प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत में एमपी पर कंसल्टेंट, मीडिया पीआर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के निर्देशक के रूप में की। प्रियंका ने कई समाचार पत्रों और ऑनलाइन साइटों पर भी अपनी राय देने का काम किया है। सामाजिक जनकल्याण के लिए भी वो हरदम सक्रिय रही हैं। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों को ट्रस्टी बनकर महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया है। 2010 में राजनीति की शुरुआत करते हुए प्रियंका कांग्रेस पार्टी की महासचिव के रूप में चुनी गई। पार्टी के बचाव में उन नीतियों के समर्थन के लिए काफी सराहना मिली, जिसके बाद उन्हें पार्टी प्रवक्ता बना दिया गया। विपक्षों की बोलती बंद करने में प्रियंका का कोई जवाब नहीं है। प्रियंका का जन्म 19 नवंबर 1979 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेंट जोसेफ हाई स्कूल जुहू मुंबई से प्राप्त की। उन्होंने पुस्तक समीक्षाओं के बारे में ब्लॉग लिखना शुरू किया और आज उनका ब्लॉग भारत में किताबों के संबंध में टॉप 10 वेब ब्लॉग में आता है। 2017 में उन्हें राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए महाराष्ट्र की प्रेरणादायक महिला के रूप में सम्मानित किया गया था। प्रियंका ने विक्रम चतुर्वेदी के साथ शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। बीते दिनों प्रियंका को उनकी बेटी के रेप की धमकी मिली थी, जो अभी भी चर्चा में है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।